नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा दो का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बगीचे की सैर। तो बच्चों, इस पाठ में हम एक अखिल नाम के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, जो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ रहने के लिए जाता है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अखिल बहुत खुश था, स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थी। अब अच्छा है, सुबह जल्दी नहीं उठना होगा, देर तक सोने को मिलेगा, अखिल ने अपने आप से कहा। तो बच्चों, जिस दिन छुट्टी होती तो आप भी यही सोचते हो कि अब सुबह हमें जल्दी उठना नहीं पड़ेगा और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही अखिल ने सोचा, क्योंकि उसी गर्मी की छुट्टी पड़ गई थी। मगर दूसरे दिन उसकी नींद तो स्कूल के समय पर ही खुल गई। थोड़ी देर बिस्तर पर उलट पुलट करने के बाद वह बाहर आया, देखा दादा दादी कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे। अम्मी अब्बू अभी उठे नहीं थे। आप कहाँ जा रहे हो, अखिल ने दादाजी से पूछा। तो बच्चों, जब अखिल दूसरे दिन उठा तो उसकी जो नींद थी स्कूल के समय पर ही खुल गई। जब खुल गई तो उसने देखा उसके दादा दादी कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो दादाजी क्या कहते हैं, अरे तुम इतनी सुबह उठ गए, आज तो स्कूल बंद है, दादाजी ने पूछा। हाँ दादाजी, नींद खुल गई, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी साथ चलूँ, अखिल ने पूछा। तो बच्चों, अखिल ने अपने दादा दादी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँ। हम तो बगीचे में सैर के लिए जा रहे हैं, आप भी आ सकते हो हमारे साथ, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बच्चों, उसकी दादी बोली कि आप भी हमारे साथ घूमने आ सकते हो। अखिल झटपट मुंह धोकर दादा दादी के साथ बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचा उनकी कॉलोनी के बाहर ही था। अखिल को सुबह सुबह सैर में खूब मज़ा आ रहा था। वह उछलते कूदते बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में हर तरफ हरियाली छाई हुई थी, सुबह की ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। तो बच्चों, सुबह सुबह अगर हम घूमने जाएं तो मौसम बहुत ही अच्छा होता है और ठंडा होता है, तो हम लोगों को भी सुबह घूमने जाना चाहिए। अखिल को यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी सुबह ही भी बगीचा लोगों से भरा हुआ था। दादा दादी को उनके कई दोस्त मिल गए थे, वे उनके साथ बातचीत करने लगे। अखिल ने दादाजी से पूछा, क्या मैं बगीचे में घूमने जाऊं? दादाजी के हाँ कहते ही अखिल खुशी खुशी बगीचे में घूमने निकल गया। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे, गुलाब, चंपा, सूरजमुखी, गुड़हल जैसे कई फूलों के पौधे लगे थे। बगीचे में अंदर की तरफ गोल पत्थर लगाकर घूमने के लिए रास्ता बनाया गया था। जहाँ लोग टहल रहे थे, कुछ लोग दौड़ लगा रहे थे। अखिल ने भी तेज तेज कदमों से बगीचे के 2-3 चक्कर लगा डाले, उसे इसमें बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, जब अखिल अपने दादा दादी के साथ बगीचे में गया तो उसने देखा कि बगीचे में तो बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं। तो उसने सोचा भी नहीं था कि सुबह सुबह इतने लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए और फिरने के लिए। कुछ लोग बगीचे में कसरत कर रहे थे, अखिल को उन्हें देखना बड़ा अच्छा लगा। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां भी थीं। अखिल कुछ देर उनके पीछे भागता रहा। वहां अखिल के ही उम्र का एक लड़का साइकिल चला रहा था। वह साइकिल से गिर गया तो अखिल ने साइकिल उठाने में उसकी मदद की, फिर दोनों दोस्त बन गए। उसका नाम रोहन था। अखिल ने उसकी साइकिल पर बैठकर बगीचे का एक चक्कर और लगाया। रोहन का घर भी बगीचे के पास ही था। वह दूसरे स्कूल में अखिल की ही कक्षा में पढ़ता था। दोनों ने ढेर सारी बातें की, तभी दादाजी ने अखिल को आवाज़ दी। अखिल रोहन से विदा लेकर चल पड़ा। तो बच्चों,
जब वो बगीचे में घूम रहा था तो उसी की हम उम्र के कुछ बच्चे भी घूम रहे थे। उसने देखा एक बच्चा साइकिल से गिर पड़ा है, तो वह उसके पास गया और उसने उसकी मदद की साइकिल को उठाने में, जिसका नाम रोहन था। तो उसका एक दोस्त भी बन गया बगीचे में, जिसका नाम रोहन था। अकील ने रास्ते में दादाजी को बताया, दादाजी मुझे भी एक दोस्त मिल गया है, अब मैं भी रोज आपके साथ सैर के लिए आऊँगा। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से अकील गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ जाता है और वहाँ पर वो सुबह सुबह बागीचे में घूमने के लिए जाता है उनके साथ, और वहीं पर उसका एक दोस्त भी बनता है जिसका नाम रोहन होता है। तो बच्चों इस पाठ को आप कम से कम दो बार पढ़ेंगे ठीक से। ठीक।